हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले ही हमने टेस्ट जनरेटर में एक नया फीचर लॉन्च किया और ये फीचर है कि आप प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट की मदद से क्वेश्चन पेपर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो जो स्टेप टू में आप एक एक करके क्वेश्चंस को ऐड करते थे और उसके बाद अगर दोबारा क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो दोबारा वही स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना होता था, तो उस प्रोसेस को हमने छोटा किया। और अगर आप फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं सीबीएसई के सेट पैटर्न के हिसाब से, तो हमारे प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट को सिलेक्ट करके आप विद इन अ मिनट क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं। तो इस फीचर को देखने के बाद आप में से कई लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और हमें फीडबैक दिया कि इसी तरह का ऑप्शन हमें आप लोगों को भी देना चाहिए ताकि आप भी अपना ब्लूप्रिंट को सेव कर पाए और उसको दोबारा यूज कर सके, खासतौर से उस केस में जहां आप मल्टीपल सेट्स बनाना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर के और वो भी एक सेम पैटर्न में। तो ये इस ब्लूप्रिंट की सहायता से बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना ब्लूप्रिंट बनाकर उसे सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में बार बार उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें बड़ी मजे की बात ये है कि सेम ब्लूप्रिंट को जब आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चंस बदल कर आते हैं, यानी कि एक ही ब्लूप्रिंट बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और हर बार कुछ नए क्वेश्चंस के साथ वो ब्लूप्रिंट आपको क्वेश्चन पेपर बनाकर देता है। तो अपना ब्लूप्रिंट सेव करने का तरीका भी काफी आसान है। बिल्कुल जैसे आप पहले टेस्ट जनरेटर ओपन क्या करते हैं, आप थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, टेस्ट जनरेटर को सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट या ट्राइट नाउ जो भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसमें अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। ये स्टेप वन है जहां पर आप पीडीएफ फाइल का अपना हेडर या फुटर जो आपने सेलेक्ट किया है वो लिखते हैं, टाइम डालते हैं, टेस्ट पेपर का नाम लिखते हैं और अपने क्लास और सब्जेक्ट जिसके लिए कि आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब आपने क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किया तो उसके नीचे आपके पास ऑप्शन है मैनुअल या ऑटोमेटेड, तो आपको मैनुअल मोड सेलेक्ट करना है, टाइम डालना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को लिखना है और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। तो अभी आप स्टेप टू पर आ गए हैं जहां पर आपको अपने क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। यहाँ पर आप अपनी टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे, जिस जिस टॉपिक या चैप्टर से आपको क्वेश्चंस लेने हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको लेने हैं, जैसे कि पहले भी आप करते आए हैं, तो पूरा ब्लूप्रिंट आप तैयार करेंगे। इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि किस तरीके से आप अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस को ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप मैच द फॉलोइंग ले सकते हैं, फिलअप्स ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स ले सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं, उनका वेटेज सेट कर सकते हैं, 1 marker, 2 marker या इस तरीके से, और साथ में क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार कर सकते हैं। एक बार आपका ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया आपको कि टोटल 25 क्वेश्चंस, टोटल 50 मार्क्स के लिए हमने इसे तैयार किया है, उसके नीचे एक टिक बॉक्स है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, सेव एज ब्लूप्रिंट का ऑप्शन है, तो सेव एज ब्लूप्रिंट चेकबॉक्स को आपने टिक करना है। तो यहाँ पर आपने ब्लूप्रिंट का नाम डाला है ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसी को यूज करके नया क्वेश्चन पेपर बना सकें, और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू टू स्टेप 3 करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको जैसे कि पहले भी सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले होते थे वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी एडिट करना है, क्वेश्चन को रिप्लेस करना है, तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद जनरेट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करके आपका पीडीएफ जनरेट हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है आपकी स्क्रीन पर और ठीक इसी तरीके से इसके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों ही तैयार हो गए। तो सेम ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके आप दोबारा क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो नई स्क्रीन आपके सामने आई, इसमें जैसे कि पहले भी आप अपना डेटा फिल करते रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अपना डेटा फिल करेंगे, टेस्ट पेपर का नाम रखेंगे, हेडर फुटर सेलेक्ट करेंगे, आप चाहें तो हेडर फुटर को चेंज कर सकते हैं हर बार, और उसके बाद अपनी क्लास और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आया मैनुअल या ऑटोमेटेड, आपने ऑटोमेटेड सेलेक्ट किया और उसके बाद जो ब्लूप्रिंट अभी थोड़ी देर पहले आपने सेव किया था उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे टाइम और जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रीफिल्ड आ गई हैं और आप इन प्रीफिल्ड इंस्ट्रक्शंस को चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, सीधे के सीधे आप स्टेप 3 पर आ जाते हैं और वो जो पहले आपने ब्लूप्रिंट बनाया था उसी के बेस पर एक नया क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर भी जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो सारे चेंजेस कर सकते हैं और वो चेंजेस करने के बाद आपको जनरेट पीडीएफ क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जनरेट पीडीएफ क्लिक करने के बाद आपने देखा कि एक नया क्वेश्चन पेपर बनकर तैयार हो गया है। क्वेश्चंस पर और सॉल्यूशन पर क्लिक करके आप इन क्वेश्चंस को और इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। अब ये पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं ये पहले वाले पीडीएफ के क्वेश्चंस से अलग जरूर हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है। और यहाँ टॉप में हमने माई ब्लूप्रिंट का ऑप्शन आपको दिया है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितने ब्लूप्रिंट्स आपने बनाए हैं। अगर आप उनको व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, कोई नया ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं
तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। इस तरीके से अब आपका टाइम काफी सेव होगा और आप अपने खुद के ब्लूप्रिंट बनाकर उनको सेव करके बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप myCBSEguide चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।